नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार वर्मा आप सभी का एग्री उड़ान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट। तो जो हम आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, इसको एक शानदार ट्रिक से आप सभी लोगों को याद करा देंगे। आप लोगों को जब हम ट्रिक बताएंगे, उससे पहले आपको जानना है ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक मतलब ये, इसके बारे में सारी चीज़ें जान लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, इसका साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जब नोट्स बना लेंगे तो आपको जब हम ट्रिक बताएंगे सारी अच्छे से समझ में आएगी और आपको एक बार में ही सारा याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। मान लीजिए जितना भी हम डेली वर्क करते हैं उसमें जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या करते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी का सोर्स होता है, उसके द्वारा हम ले सकते हैं एनर्जी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है होता क्या है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या होता है ये कार्बोहाइड्रेट। तो ये होता है CHO, मतलब जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इन्हीं तीनों के मिलने से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। हमने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मिलने से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपने पानी में पढ़ा होगा वाटर, जो जल होता है, जल में आपने पढ़ा होगा जो जल बनता है वो H2O से बनता है। तो ये सेम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें जो H और O का कंटेंट होता है सेम पानी की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है, पानी की तरह ही होता है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। अब हमने आपको बताया कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं वो प्रतिदिन लगभग कितना यूज करना चाहिए, मतलब कितना कंज्यूम होना चाहिए। तो जितनी भी हम डेली, मतलब प्रतिदिन कैलोरीज बर्न करते हैं, कैलोरीज की खपत करते हैं, उसका लगभग वही, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जितनी भी कैलोरीज हम बर्न करते हैं उसका लगभग 45 से 60% आप 45 मान के चलिएगा, इतनी जो है परसेंटेज में बात करेंगे, इतनी कैलोरीज केवल हम किससे लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। हमने आपको बताया कि प्रतिदिन जितना भी हम कैलोरीज बर्न करते हैं, कोई भी उसका माध्यम हो सकता है, आप चाहे तो फैट यूज करें, चाहे या कुछ भी यूज कर लें, या प्रोटीन ले रहे हैं, उससे हमें जो एनर्जी मिलती है उसका लगभग 45% हमें किससे लेना होता है, कार्बोहाइड्रेट से लेना होता है। अगर हम ग्राम में बात करें कि प्रतिदिन हम कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट यूज कर लेते हैं, तो हम ये लगभग में आपको बता रहे हैं समथिंग वही 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन हमको लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो CHO होता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंटेंट होता है सेम वाटर की तरह ही होता है। फिर हमने आपको बताया जब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम डेली यूज करते हैं तो कितनी प्रतिदिन रिक्वायरमेंट होती है, तो 45 से 60% के आसपास कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है। अगर हम ग्राम में बात करें तो लगभग 130 ग्राम यूज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन एक और आता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आता है कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम यूज कर रहे हैं उससे हमें कितनी कैलोरीज मिल जाती हैं। क्वेश्चन ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उससे हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है, तो 4 कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है, 4 कैलोरी हमें मिल जाती है। 4 आप कैलोरी कह सकते हैं, आप 4 किलो कैलोरी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें यही, जैसे हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, सेम इसी तरीके से प्रोटीन में, ये आपका कार्बोहाइड्रेट से हटके वहाँ पे लिख लेंगे, जो प्रोटीन होती है यहाँ पे लिख लीजिए, जो प्रोटीन रहती है उसके 1 ग्राम अणु से कितनी हमें कैलोरीज मिल जाती है, सेम इतना ही 4 कैलोरी मिलती हैं। और अगर हम वसा की बात करें, फैट, जो फैट होती है उसके 1 ग्राम अणु से हमें कितनी कैलोरी मिल जाती हैं, तो 9 कैलोरी मिल जाती हैं।
इनको आप किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किलो कैलोरी होता है 4 किलो कैलोरी कह सकते हैं, यहाँ पे 9 किलो कैलोरी कह सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, जो कार्बोहाइड्रेट था उसके बारे में बताया, कितना हमें यूज करना चाहिए परसेंटेज में, बाकी ग्राम में बता दिया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी ऊर्जा देता है, 4 कैलोरी देता है। फिर हमने आपको बताया प्रोटीन कितनी देती है, 4 किलो कैलोरी देती है, बाकी फैट कितनी देती है, 9 किलो कैलोरी देती है, ठीक है। इतना आपने सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और हमें किन किन ग्रुप से, किन किन स्रोत से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हमने आपको बताया जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, ये सब आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वर्गीकरण, ठीक है, नोट्स बना लेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो वर्गीकरण में इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, वैसे कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होती है, कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। तो जो पहला इसका पार्ट होता है वो देख लेते हैं, पहला होता है मोनोसैकेराइड। क्या होता है? मोनोसैकेराइड। आप जो हम पढ़ा रहे हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको पढ़ाने के बाद मतलब ये आपको बेसिक जब पता चल जाएगा कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट किस में आती है, कौन सी मोनोसैकेराइड होती है, कौन सी डाइसैकेराइड होती है, कौन सी पॉलीसैकेराइड होती है, किन के क्या स्रोत होते हैं, ये सब पता चल जाएगा। तो आपको हम उसके बाद में एक अच्छी सी शानदार ट्रिक बताएंगे, वहीं से सारी चीज़ें आपको एक बार में याद हो जाएंगी, बार बार आपको रटना नहीं रहेगा, सिर्फ उसका रिविजन करना रहेगा, ठीक है। तो पहला हमने आपको बताया मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड। क्या होता है? डाइसैकेराइड। तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। आप लोग भी बोल दिया करिए बीच बीच में पॉलीसैकेराइड, इसको आप चाहो तो ऐसे हिंदी में लिख लेना, सेम ही है मोनोसैकेराइड इसको लिखेंगे, डाइसैकेराइड इसको लिखेंगे, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ठीक है। हमने आपको बताया मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट होती हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हम देखते हैं जो ये मोनोसैकेराइड होता है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड होता है ये कार्बोहाइड्रेट की सिंगल यूनिट से बना होता है। क्या होता है? फिर से सुनना, हमने आपको बताया जो मोनोसैकेराइड होता है ये कार्बोहाइड्रेट की सिंगल यूनिट से मिलकर बना होता है। हिंदी में आप समझेंगे, जो मोनोसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट की एकल इकाई या फिर 1 इकाई से बनता है। हम ऐसे कह सकते हैं मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, तो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की 1 इकाई को ही क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब बात आती है डाइसैकेराइड क्या होता है। तो हमने यहाँ पे बताया सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती हैं, उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड क्या होती हैं? 2 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? 2 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे लिख लेंगे 2 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 2 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो डाइसैकेराइड होती हैं वो क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट की 2 इकाइयों से मिलकर बनी होती है। हम यूं कह सकते हैं 2 कार्बोहाइड्रेट की इकाइयों से मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। आप लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे जो हम बता रहे हैं, आप डैश करके सामने ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होता है? हमने आपको बताया पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है? 2 आर मोर देन 2
यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने आपको बताया जो पॉलीसैकेराइड होती है क्या होती है, दो या दो से अधिक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। दो या दो से अधिक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट से मिलकर क्या बनी होती हैं, पॉलीसैकेराइड बनी होती हैं। अब आपने जान लिया मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सिंगल यूनिट से। अब ये सिंगल यूनिट होती क्या क्या है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखिए जो मोनोसैकेराइड होता है इसमें कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, या यूं हम कह सकते हैं कौन कौन सी यूनिट इसमें आ जाती हैं। तो इसमें आ जाता है फ्रक्टोज, आप लोग ऐसे लिख लेंगे हिंदी में फ्रक्टोज, दूसरा लिखेंगे मैनोज, मैनोज, तीसरा लिख लेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, तो हमने आपको बताया जो मोनोसैकेराइड होता है इसकी कौन कौन सी यूनिट होती हैं, फ्रक्टोज होता है, मैनोज होता है और ग्लूकोज होता है। तीन चीजें आपको मैंने बता दी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे डाइसैकेराइड में देख लेंगे, डाइसैकेराइड में कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट आ जाती हैं ये हम देख लेते हैं। जो डाइसैकेराइड रहता है इसमें आ जाता है सुक्रोज, सुक्रोज, दूसरा जो रहता है वो रहता है माल्टोज, माल्टोज, तीसरा जो रहता है वो रहता है लैक्टोज, लैक्टोज। हमने पढ़ा जो डाइसैकेराइड होती हैं इसमें क्या क्या आ जाता है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, अब ये जो होती हैं ये तो सिंगल यूनिट थी, पर ये क्या होती हैं, डबल यूनिट होती हैं। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि जो सुक्रोज होता है किन यूनिट से बनता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी इकाइयों से मिल करके सुक्रोज बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसमें थोड़ा सा जगह कम है, आप अपने कॉपी में अच्छे से यहीं पे लिख लेंगे जो सुक्रोज होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से लिख लेना इसको। जो ये सुक्रोज होता है किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। अब बात आती है ये माल्टोज किससे बना होता है, माल्टोज जो होता है इसकी दो इकाइयां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हम देखेंगे यहां पे लिखेंगे। अब माल्टोज में आ जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज ही मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज बना देते हैं। इसके बाद तीसरा आ जाता है लैक्टोज, लैक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देखिए ये हमने आपको बताया, इतना फिगर आप बना लेंगे, सेम इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी, इनके सोर्स क्या होते हैं हम वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नहीं लिखे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसी को इधर डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा, मोनोसैकेराइड में तीन चीज़ें पढ़ ली हमने, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं ये हमने पढ़ लिया है, हमने डाइसैकेराइड पढ़ लिया है, डाइसैकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं ये इधर हो गया, देख लेते हैं। अब इसका हम आपको सोर्स बताते हैं क्या होता है, अभी हम जस्ट थोड़ी देर के बाद ही पॉलीसैकेराइड पे बात करेंगे। तो जो फ्रक्टोज होता है,
फैक्टोज मुख्यतः किस में पाया जाता है, मतलब सोर्स क्या होता है, हम ऐसी कौन सी चीज खाएं जिससे हमें फ्रक्टोज प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम फ्रक्टोज प्राप्त करने के लिए फलों का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फलों का। जो इंग्लिश में बच्चे लिखेंगे वो लिख लेंगे फ्रूट, क्या लिखेंगे, फ्रूट। फ्रक्टोज हमें फ्रूट से मिल जाती है, जो माल्टोज हमें मिलती है वो किससे मिलती है, सॉरी मैनोज, मैनोज हमें किससे मिल जाती है, तो ये अनाजों से मिलती है, सॉरी अनाजों से नहीं मिलती है, ये कार्नबेरी से मिलती है। ठीक है, और जो ग्लूकोज होता है वो किससे मिलता है, ये ग्लूकोज के तो कई सारे सोर्स होते हैं, बट अगर हम फ्रूट्स में बात करें तो अंगूर होता है, क्या होता है, अंगूर। अंगूर होता कैसा है, पका हुआ, कैसा होता है, पका हुआ। ये आप लोग अच्छे से नोट्स के नोट बना लेंगे, आप लोग वीडियो को चाहो तो मतलब रोक देना, उसके बाद कॉपी में अच्छे से ऐसे जैसे मैंने बताया जस्ट उसके उस डायरेक्शन में आप इसको लिख देना, पेज थोड़ा उल्टा कर देना, उसमें अच्छे से लिख जाएगा। ठीक है, तो हमें फ्रक्टोज कहाँ से मिला, फलों से मिल गया, मैनोज कहाँ से मिला, कार्नबेरी से मिल गया, और ग्लूकोज कहाँ से मिला, अंगूर से प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखना कि जो अंगूर पका हुआ होता है उसी में ग्लूकोज प्राप्त होता है, कच्चे अंगूर में नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज फलों से, मैनोज कार्नबेरी से, और ग्लूकोज अंगूर से प्राप्त हो जाता है। ये किसके थे, मोनोसैकेराइड के थे, किसके थे एग्जाम्पल, मोनोसैकेराइड के। अब ये सोर्स जो होते हैं, सुक्रोज किससे प्राप्त होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जो सुक्रोज प्राप्त होता है वो गन्ने से प्राप्त होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं शुगर केन। दूसरा चुकंदर होता है बीट रूट, ठीक है, चुकंदर होता है, चुकंदर इसको आप लोग लिख लेंगे। हमने आपको बता दिया सुक्रोज गन्ना और चुकंदर से प्राप्त होता है। दूसरा जो माल्टोज होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये जौ से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, जौ, जिसको बोलते हैं बार्ले, क्या बोलते हैं, बार्ले। ठीक है, लैक्टोज किससे प्राप्त होता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि लैक्टोज क्या होता है, तो जो मिल्क होता है, मिल्क में ये पाया जाता है, दुग्ध शर्करा होती है, क्या होती है, दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा को ही क्या बोलते हैं, लैक्टोज कहा जाता है। तो ये किसके एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल थे डाइसैकेराइड के, किसके थे, डाइसैकेराइड के। हमने आपको मोनोसैकेराइड के बता दिए एग्जाम्पल, हमने आपको डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल बता दिए, अब हम तीसरे पे बात करेंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं, जस्ट हम लोग अब पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। तो हमने आपको पॉलीसैकेराइड बताया था, क्या पॉलीसैकेराइड होता है, या दो अथवा दो से अधिक यूनिट से मिलकर बना होता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं, जरा इनको हम देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड के, ऐसे हम ऊपर एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं, आप लोग जस्ट नीचे कर देना। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड में आ जाता है एक तो स्टार्च, क्या आता है, स्टार्च आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, पेक्टिन होती है, पेक्टिन, अभी बताते हैं ये सब क्या होता है। तीसरा आप इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे सैकेरिन, सैकेरिन होती है। ठीक है, तो ये जो स्टार्च होता है ये किससे मिलकर, मतलब किससे प्राप्त होता है, हमें ये जानेंगे। ठीक है, स्टार्च हमें किससे मिलता है, स्टार्च हमें प्राप्त होता है अनाजों से और कंदों से, किससे और कंदों से, कंद समझ रहे हो ना, मतलब जैसे कि शकरकंद, आलू, ये कंद होते हैं। ठीक है, पेक्टिन हमें किससे प्राप्त होता है, पेक्टिन जो प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है फलों के छिलके के नीचे, छिलके के नीचे, अभी समझा रहे हैं आपको। फिर जो सैकेरिन होता है वो किससे, स्टीविया प्लांट से प्राप्त होता है, स्टीविया किससे प्राप्त होता है,
स्टीविया से प्राप्त होता है, ठीक है। और एक होता है स्टार्च हो गया, पेक्टिन हो गया, सैकेरिन हो गया, और एक चौथा और होता है, अभी हम आपको बताते हैं। जो चौथा रहता है वो रहता है सेल्यूलोज। क्या रहता है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? पौधों के छाल से। किससे? पौधों के छाल से, ठीक है। अब हमने पढ़ा जो पॉलीसेकेराइड होती है वो कौन कौन से होते हैं? एक तो स्टार्च होता है, दूसरा पैक्टिन होता है, तीसरा सैकेरिन होता है, और चौथा सेल्यूलोज होता है। ये इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। ये दो या दो से अधिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। स्टार्च हमें अनाज और कंदों से मिल जाता है, पैक्टिन हमें फलों के छिलके के नीचे, आपने देखा होगा, ठीक है। जो पैक्टिन होती है वो जो फ्रूट्स होते हैं उनके जस्ट नीचे पाई जाती है, जैसे कि अमरूद जो होता है, अमरूद में क्या होता है, पेक्टिन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है। तो अमरूद के जो छिलके होते हैं उसके जस्ट नीचे, ऊपरी भाग से जस्ट नीचे क्या पाई जाती है? पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। सैकेरिन स्टीविया से मिलता है। बाकी जो सेल्यूलोज होता है, सब लोग जानते हो सेल्यूलोज होता है, वो क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनकी जो छाल होती है, ऊपरी मतलब त्वचा होती है, उन्हीं में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें जान ली हैं। अब हम आपको इसकी एक ट्रिक बताएंगे, फिर इसके बाद बताएंगे इसके सोर्स क्या क्या होते हैं। पहले आप सोर्स पढ़ लीजिए, फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं कि हमें ये जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है ये सब जैसे फ्रूट्स में कितनी क्या मात्रा मिलती है, और इसके अलावा वेजिटेबल्स में कितना क्या परसेंटेज मिलता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हम आपको करा देंगे। एक क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि किस फल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो हम यहां लिख लेते हैं फ्रूट सोर्स, फ्रूट सोर्स। हमें कार्बोहाइड्रेट किससे लेनी है? फ्रूट से लेनी है। तो कौन कौन से ऐसे फल हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? आप यहां पे लिख लेंगे जो नंबर वन है, चाहो तो आप ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। रेजिन, रेजिन, पहले हम एक बार यू लिख ले रहे हैं, रेजिन, रेजिन। इसके बाद लिख लेंगे दूसरा आप एप्रिकॉट, तीसरा लिख लेंगे डेट्स, चौथा लिख लेंगे करौंदा, इसके बाद बनाना, और चाहो तो आप और भी लिख सकते हो, बस इतना सफिशियंट है। लेकिन अब इसमें कंटेंट क्या क्या पाया जाता है हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। जो रेजिन्स होती हैं इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है वो 73.3% होता है। जो रेजिन होती है, रेजिन मतलब किशमिश, क्या होता है? किशमिश। जो किशमिश होती है, किशमिश में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 73.3% पाई जाती है। दूसरी बात करते हैं एप्रिकॉट की, इसकी एप्रिकॉट, इसको बोलते हैं खुबानी, क्या बोलते हैं? खुबानी। इसमें पाई जाती है जो मात्रा कार्बोहाइड्रेट की 72.8% के आसपास पाई जाती है। तीसरा हम बात करते हैं डेट्स की, डेट्स समझते हो क्या? खजूर, आपको वहां पे कभी कभार लिखा मिल जाएगा पिंड खजूर, क्या मिलेगा? पिंड खजूर। तो इसमें जो कंटेंट होता है वो कितना होता है? 67.37% के आसपास होता है। अगर हम करौंदे की बात करें, करौंदा, जो करौंदा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 67.1% के आसपास पाई जाती है, ठीक है। बाकी केला भी पूछ दिया जाता है, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बनाना लगभग वही 36.4% के आसपास पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट।
तो ये था फ्रूट का मेजर सोर्स। हमने आपको बताया सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, किशमिश में, फिर एप्रिकॉट, फिर डेट, फिर करौंदा और बनाना। अब मान लीजिए एग्जाम में एक क्वेश्चन कर दिया जाए आप लोगों के सामने, हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसका सही से आंसर देंगे। हमने आपको बोला कि निम्न में से किस फल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, निम्न में से किस फल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, और ऑप्शन में दे रखा हो आम, अमरूद, खजूर, अंगूर। तो बेटा इसीलिए हमने आपको सीक्वेंस लिखाया है कि मैं भी, अब वहां आप दिमाग लगा रहे होंगे कि अरे रेजिन तो आया ही नहीं, एप्रिकॉट आया ही नहीं, ठीक है, यहाँ सीधा सीधा क्या दे दिया गया, खजूर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इन फलों के अकॉर्डिंग आप क्या आंसर देंगे, खजूर लगाएंगे। तो ये आपका कॉमन सेंस होता है एग्जाम में, जिस समय आप बैठते हैं कैसे पेपर सॉल्व करना है ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि हमने आपको ये एक सीक्वेंस लिखा दिया किसमें कितनी ज्यादा पाई जाती है। वहां जरूरी नहीं है कि रेजिन ही पूछ दे, जरूरी नहीं कि एप्रिकॉट ही पूछ दे या डेट पूछे, वहां पे किसी तरीके से भी पूछ सकता है। तो आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए किसमें कितना कंटेंट पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये था फ्रूट का सोर्स, आप लिखेंगे वेजिटेबल का सोर्स, किस वेजिटेबल्स में कितनी पाई जाती है, किस वेजिटेबल्स में कितनी पाई जाती है। यहां लिखेंगे वेजिटेबल सोर्स, मतलब कौन सी सब्जी में कार्बोहाइड्रेट मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, या हम कौन सी सब्जी का कंज्यूम करें, उपयोग करें, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर वन पे लिख लेंगे कसावा, ठीक है। कसावा क्या होता है, इसमें वही 38.1% के आसपास कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूसरा लिख लेंगे आप स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो होती है उसमें 28.2% के आसपास जो है कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तीसरा लिख लेंगे पोटैटो, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, इन तीनों में से पोटैटो वाला ही पूछा जाता है सबसे ज्यादा एग्जाम में। तो जहां जहां पे हम आपको फोकस करते हैं कि इस क्वेश्चन को याद रखना, तो उस पर आप टिक यू कर दिया कीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोटैटो क्या है, पोटैटो में 22.6% के आसपास कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। तो हमने आपको फ्रूट सोर्स बता दिए, हमने आपको वेजिटेबल सोर्स बता दिए, यहाँ पे ये भी बता दिया कि सबसे ज्यादा जो है पोटैटो से ही कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन आता है वेजिटेबल में जब भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बेसिक जानकारी ले ली। अब आप इनके एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, उसके लिए हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ट्रिक को आप दो बार डिवीजन कर लेंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। रफ पे दो बार प्रैक्टिस करिएगा, और पहली बार तो हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, फिर रफ पे कर लीजिए, आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेंगे। बस 10 से 15 दिन के बाद एक बार और रिवीजन करेंगे आप। यहां पे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट याद करने की ट्रिक, या सीधा सीधा आप लिखेंगे ट्रिक, ठीक है। ट्रिक को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे एक एक करके, तीनों टाइप की आपको कार्बोहाइड्रेट बताएंगे, उनके एग्जाम्पल बताएंगे और उनको याद भी करा देंगे। पहले ट्रिक की शुरुआत करते हैं, हमने आपको बोला ट्रिक है मोनो गोल फैटी मैन, मोनो गोल फैटी मैन दैत्य गुरु, दैत्य
गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मान लेकर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मान लेकर, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, सारा एक्सप्लेन कर देंगे, जस्ट आप अपना अच्छे से लिख लेना। मान लेकर पाली में सैके ऋण के पॉकेट, सैके ऋण के पॉकेट को एक्स्ट्रा चार्ज पर सेल किया, ठीक है। एक वाक्य है, अभी देखना स्टोरी टाइप में हम आपको बता देंगे और आपको याद हो जाएगा। बस आपको क्या कहना है, बस धैर्य रखना है कि कैसे याद रखना है हमें। हमने बताया मोनो बोल फैटी मैन, एक मोनो नाम का लड़का है, ठीक है, वो मोटा है जिसके कारण थोड़ा गोल मटोल लगता है। हमने आपको बताया एक मोनो नाम का लड़का है, वो कैसा है, मोटा है जिसके कारण गोल मटोल लगता है। मोनो नाम का मैन हो गया, कैसा है, फैटी है, इसलिए कैसा दिखता है, गोल दिखता है। तो मोनो से क्या हो जाएगा, मोनो सैकेराइड, क्या हो जाएगा, मोनो सैकेराइड्स। तो मोनो सैकेराइड्स के एग्जांपल क्या होंगे, गोल से हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, फैटी से हो जाएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, मैन से हो जाएगा मैनोज, ठीक है। हमने देखो पढ़ा मोनोसैकेराइड में क्या क्या आ जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। आप इसको पढ़ लेंगे, जो हमने आपको पहले पढ़ाया है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमने आपको पढ़ाया इसलिए कि जो हम ये अब बता रहे हैं आपको पता चल सके ये होता क्या है, इसलिए हमने आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया। अगर आपने सही से नहीं पढ़ाया तो वीडियो को रोक दीजिए, पहले उसको पढ़ लीजिए, ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। हमने आपको बता दिया ये हो गया मोनोसैकेराइड। अब दैत्य गुरु से हो जाएगा डाइसैकेराइड, क्या होगा, डाइसैकेराइड्स। दैत्य गुरु जानते हो ना, दैत्य गुरु मतलब जो दानवों के गुरु थे, कौन था, शुक्राचार्य था। दानवों मतलब जो राक्षस थे उनके गुरु कौन थे, शुक्राचार्य। तो दैत्य से डाइसैकेराइड, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं एग्जाम्पल, डाइसैकेराइड में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है सुक्रोज, पहला क्या होता है, सुक्रोज, सुक्रोज। दूसरा, अच्छा ये का साइलेंट रहेगा, जहां पे अगर कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं आपको बता, साइलेंट मतलब जिसका कोई नहीं, सिर्फ ट्रिक बनाने में सहायक वर्ड है, ठीक है। माल से क्या हो जाएगा, माल्टोज, क्या हो जाएगा, माल्टोज। लेकर के क्या हो जाएगा, लैक्टोज, लैक्टोज। तो हमने बताया दैत्य गुरु शुक्राचार्य का माल लेकर। आगे देखना, हमने एक चीज और आपको बताई, क्या बताई, कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल यूनिट से बने होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ये क्या है, सभी सिंगल यूनिट हैं। जो डाइसैकेराइड होते हैं वो दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं, हमने जस्ट अभी बताया था, जैसे कि सुक्रोज, हमने क्या बताया था, जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज प्लस किससे मिलकर बना होता है, फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। हमने आपको बताया माल्टोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। हमने आपको बताया लैक्टोज, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, हमने आपको बताया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो ये तीनों वर्ड याद रखेंगे, ग्लूकोज सब में कॉमन रहेगा, बाकी फ्रक्टोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज फिर से आपको जोड़ना रहेगा। तो ये हो गए डाइसैकेराइड। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पाली में, पाली एक स्थान है बेटा, ठीक है, पाली क्या है, एक स्थान है। अब जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे वो सैके ऋण का धंधा करते थे, किसका करते थे, सैके ऋण का धंधा करते थे।
तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पाली मतलब लिख लेंगे पाली से केराइट, क्या लिखेंगे यहाँ पे पाली से केराइट, पाली से केराइट, पाली से हो जाएगा पाली से केराइट। अब ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य किसका धंधा करते थे, सैकेरीन का, तो सैकेरीन से क्या हो जाएगा सीधा सीधा सैकेरीन हो जाएगा, के साइलेंट यहाँ पे वर्ड है, पॉकेट से क्या हो जाएगा पेक्टिन, क्या हो जाएगा पेक्टिन हो जाएगा, पेक्टिन हो जाएगा, को यहाँ पे साइलेंट रहेगा बेटा, को साइलेंट रहेगा, फिर क्या आएगा स्ट्राचार, यहाँ से हो जाएगा स्टार्च, क्या हो जाएगा स्टार्च, पर साइलेंट रहेगा सेल, मैंने क्या बताया था सेल्यूलोज, सेल से क्या हो जाएगा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, और किया एक साइलेंट वर्ड है जो टिक को बनाने में सहायक है। हमने आपको पूरी एक टिक बता दी, मोनू जो कि एक मोटा सा मैंने आदमी है जिसके कारण वो गोल दिखता है, ठीक है, वो एक दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया, किसके पास गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उनसे माल लेकर, माल मतलब अभी आगे बताते हैं कौन सा माल, सैकेरीन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य किसका धंधा करते थे सैकेरीन, तो उनसे माल लेकर आया, एक पाली स्थान पड़ता है वहां पर इस सैकेरीन के पैकेट को उसने एक्स्ट्रा चार्ज मतलब जितने में लिया था उससे एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसको सेल कर दिया, जिससे उसको क्या हुआ बेनिफिट हुआ। तो हमने तीनों बता दिए, नंबर वन मोनोसैकेराइड, नंबर टू डाइसैकेराइड, तीसरा नंबर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये था टिक, आपको अच्छी लगी होगी, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, इसके बाद आप लोग अपने रफ पे रिवीजन करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप क्वेश्चन भी बता देंगे कैसे पूछे जाते हैं। हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनी होती है, तो CHO से मिलकर बनी होती है, CHO में जो H और O होता है इसका जो रेशियो रहता है वो सेम वाटर की तरह होता है, किसकी तरह है? जल की तरह होता है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया जो कार्बोहाइड्रेट होती है इसका यूज क्या होता है ह्यूमन बॉडी पर, तो हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है जितना भी हम कैलोरीज बर्न करते हैं प्रतिदिन उसका कितना भाग हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का भाग होता है लगभग वही टोटल कैलोरीज का 45% से लेकर के 60% के आसपास होना चाहिए, अगर हम ग्राम में बात करें तो 130 ग्राम के आसपास प्रतिदिन लेना चाहिए। हमने आपको बताया अगर कार्बोहाइड्रेट का एक ग्राम अणु बर्न होता है तो उसे हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं, तो 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं या फिर 4 कैलोरीज कह सकते हैं, सेम प्रोटीन में मिलती है 4 कैलोरी और वसा में कितनी मिलती हैं 9 कैलोरी मिलती हैं। ये क्वेश्चन हो गए, इसको अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तीन पार्ट में, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, जो मोनोसैकेराइड होती हैं उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज और माल्टोज आ जाता है, ग्लूकोज पके हुए अंगूर से मिलता है, फ्रक्टोज हमें फलों से मिल जाता है, मैनोज हमें किससे मिल जाता है कैनबेरी से, जो डाइसैकेराइड होती हैं वो दो यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है तो सुक्रोज बनता है, इनके मिलने से क्या बनता है सुक्रोज, प्राप्त किससे होता है गन्ना और चुकंदर से, आप बोलिए आपको याद अगर हो गया हो, बाकी माल्टोज जो होता है वो जौ से प्राप्त होता है, किससे जौ से, ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से दो इकाइयां मिलती हैं, लैक्टोज किससे प्राप्त होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से, पॉलीसैकेराइड जो तीसरा ये दो या दो से अधिक कार्बोहाइड्रेट की जब इकाइयां मिलती हैं उनसे मिलकर बना होता है, जिसमें सैकेरीन सैकेरीन स्टीविया से मिलती है, पैक्टीन फलों के छिलकों के जस्ट नीचे मिलती है, स्टार्च आप जानते ही हैं कंद व फिर अनाजों से मिल जाता है, और सेल्यूलोज जो होता है पौधों की छाल से मिल जाता है। तो ये कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट था जो आपके कृषि जो भी कृषि से रिलेटेड एग्जाम होते हैं वहाँ पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से मोस्टली आ जाएंगे, आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है एक बार, नोट्स बना लेना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उसको इस वीडियो को उन सभी पे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दे रखे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे।